नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। इस वीडियो में हम 10 ऐसे बड़े महान हस्तियों की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आए दिन इनको पूछ लिया जाता है। इनका आने का एक तय होता है लगभग हर एग्जाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण है जिनमें से एग्जाम में आती हैं उनको हम देख लेते हैं। 10 इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। पहली बात कर लेता हूँ, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने अपनी लिखी, इसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ट्रुथ वर्ड इसमें आया, ट्रुथ से सत्य होता है, सत्य से क्या बनता है, सत्याग्रह। सत्याग्रह कौन करते थे? महात्मा गांधी यानी कि बापू, या फिर नाम से भी स्पष्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य का साथ हमेशा गांधी जी देते थे, या सत्य के साथ गांधी जी एक्सपेरिमेंट किया करते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग सत्य का साथ छोड़ देते हैं, जब भी मुश्किलों में पड़ने लगते हैं तो भी झूठ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सत्य के साथ क्या किया करते थे, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ, गोल्डन गर्ल यानी कि पीटी उषा ने गोल्डन गर्ल, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल पीटी उषा की, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी जो लेडीज होती हैं, ऐसी महान औरतें होती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए वो कैसी, किसके समान है, गोल्ड के समान है हमारे देश के लिए। इसका मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी की हो जाएगी गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूँ तो इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान को बांटने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी चाहा कि पाकिस्तान बन जाए। हमेशा पार्टीशन के खिलाफ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उसी स्थिति से गुजरते हुए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया फ्रीडम जीतता है। ठीक, आगे बात करते हैं, अनब्रेकेबल मैरीकॉम। मैरीकॉम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैरीकॉम आज 36 साल की उम्र में भी उन्होंने 6वीं बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती बॉक्सिंग की। 36 साल की उम्र में बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना बहुत बड़ी बात है। इस समय लोगों की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैरीकॉम कैसी हैं, अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल यानी टूटने वाली नहीं है, इसलिए मैरीकॉम की ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाएगी, अनब्रेकेबल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सनी डेज सुनील गावस्कर, जिन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं, सुनील गावस्कर। इनके बारे में हम ये थॉट बना सकते हैं कि जो सुनील गावस्कर हैं वो दोपहर में भी, यानी कि सन्नी वाले डे यानी धूप वाले दिन में, सूर्य के नीचे भी बैट और बॉल लेकर खड़े रहते हैं या खेलते रहते थे। इसलिए उनने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी क्या नाम रख दिया उसका, सनी डेज, इसलिए तो वो लिटिल मास्टर बने। नेक्स्ट बात करता हूँ, माय डे आर के नारायण से आप सभी परिचित होंगे। इसे मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो आर के नारायण है मालगुडी डेज के राइटर हैं। मालगुडी डेज दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, आप सभी ने उसे देखा होगा। तो इसमें भी देखिए डे है और उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी डे है, तो डे से डे कनेक्ट। माई डेज का कौन है, माई डेज का है मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, एन ऑटोबायोग्राफी जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू के बारे में थॉट ये है कि इन्होंने कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी को स्पेशल नेम देने की कोशिश नहीं की। पहले पीएम थे, उनकी पहुंच वैसे ही ज़्यादा थी, देश में नाम था, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी सीधे शब्दों में उसका नाम क्या रख दिया, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, ए वी डिविलियर्स की है द ऑटोबायोग्राफी। सीधे सीधे याद है, ए बी से ए बी, इनकी में भी ए बी है और उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी ए बी, उनके नाम में भी ए बी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, फ्रीडम ऑफ एग्जाइल जो है दलाई लामा की है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दलाई लामा जो है कोई नाम नहीं होता, एक पोस्ट होती है जो तिब्बत के धर्म गुरुओं को दी जाती है, दलाई लामा। तो 14वें दलाई लामा हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम ऑफ एग्जाइल। अब इसमें एग्जाइल जो वर्ड है इसको कनेक्ट करते हैं, एग्जाइल मींस होता है देश निकाला या फिर देश से बाहर निकलना। तो देश निकाला ही उनके लिए फ्रीडम है, किसके लिए, चौदहवें गुरु दलाई लामा के लिए। क्योंकि ये जो चाइना है, चाइना से इन्होंने हमेशा कोशिश की है क्या, फ्री होने की। और तिब्बत हमेशा चाहता रहा है कि हम स्वायत्त कंट्री बने या फिर सेल्फ डिपेंड कंट्री बने, सेल्फ रूल हो हमारा। तो उनको फ्रीडम क्या है, उनकी फ्रीडम है देश से निकल जाना, चाइना से
फ्री हो जाना, इनके लिए फ्रीडम ऑफ एग्जाइल। इससे दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी क्या है, फ्रीडम ऑफ एग्जाइल। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एस अगेंस्ट ऑड्स। एस मीन्स होता है किसी चीज़ के विरुद्ध सफलता का काम करना, किसी चीज़ के विरुद्ध सफलता का काम करना होता है एस। अगेंस्ट ऑड, ऑड माने होता है खराब चीज़ें या नकारात्मकता के प्रति भी कोई काम सकारात्मक करे तो उसे बोलते हैं एस अगेंस्ट ऑड्स। तो ये सानिया मिर्जा जो हैं वो मुस्लिम फैमिली से हैं, और ऐसा हम भले ऐसा ना हो लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो सानिया मिर्जा हैं मुस्लिम फैमिली से होने की वजह से उनको हमेशा पीछे रखा जाता है मुस्लिम फैमिली में लड़कियों को, उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। लेकिन उन सभी और चीज़ों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्रयास किया और एक बड़ी खिलाड़ी बनकर दिखाया। तो ये थी 10 महान हस्तियों की ऑटोबायोग्राफी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10 और लेकर आएंगे और ऐसे ही तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। ऑटोबायोग्राफी हर एग्जाम के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके नाम के साथ उनको कनेक्ट करके याद करने के तरीके से हम उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत